नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कमला ऑफिशियल में। आज हम आप लोगों को अलार्म कैसे सेट करते हैं उसी की जानकारी दूंगा। दोस्तों अलार्म हर मोबाइल में होता है, उसको सेट करना आना चाहिए। दोस्तों किसी मोबाइल में अलग सेटिंग रहता है, किसी मोबाइल में अलग रहता है, मगर रहता है हर मोबाइल में। दोस्तों अरे कहना क्या चाहते हो? तो आपको कैसे सेट करना है आज हम आपको बताएंगे। हमारा ओप्पो का मोबाइल है दोस्तों, हम ओप्पो का सेटिंग में आपको बताएंगे कैसे अलार्म सेट कर सकते हैं ओप्पो के मोबाइल में। चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप लोगों को अपने फ़ोन में क्लॉक देख लेना है, क्लॉक कहाँ पे है। दोस्तों ब्लैक कलर का ज़्यादातर होता है, दोस्तों ये दिखाई दे रहा है। आपको गैलरी में आना है, यहाँ पे ऐप वाले गैलरी में। आपको ऐप वाले गैलरी में आएंगे आप तो यहाँ पर आपको क्लॉक दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसको ओपन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों आपको प्लस आइकन पे आ जाना है, यहाँ पे टच कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यू अलार्म, और यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है टाइम, मिनट, एएम और पीएम। चलिए हम एक टाइम सेट करते हैं। दोस्तों कैसे हम सेट करते हैं, यहाँ पर आपको टाइम देख लेना है, हमको 6 बजे का सेट करना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको 6 बजे का सेट करना है तो यहाँ पे आपको 00 लाना है। दोस्तों यहाँ पे हम 00 ला दिए तो यहाँ पे 6 बज गया, यहाँ पर हम 00 ला दिए दोस्तों तो हमारा 6 बजे का टाइम आ गया। अब यहाँ पे हमको पीएम या एएम रखना है, हमको शाम को उठना है तो पीएम रखना है, अगर सुबह उठना है तो हमको एएम रखना है। चलिए हम एएम रख देते हैं दोस्तों, हमको सुबह उठना है तो यहाँ पे एएम कर देंगे तो आपको सुबह में 6 बजे अलार्म ये बजने लगेगा। दोस्तों अगर आपको कहीं जाना है तो ये 6 बजे बजेगा और आप उठ जाएंगे और जा सकते हैं। दोस्तों अभी बजा आएगा ना भिड़ो, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है सिस्टम दोस्तों, रिंग वंस, यहाँ पे कस्टम, तो हमको कस्टम करना है। दोस्तों हमको कस्टम पे ओके कर देना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रिपीट सिलेक्ट, यहाँ पे हमको सिलेक्ट कर देना है दोस्तों, ओके कर देना है। ओके करेंगे यहाँ पर आपके सामने देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन का यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिन। यहाँ पे हम 7 दिन सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऐसे 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 दोस्तों हम 7 दिन का यहाँ पे अलार्म सेट कर दिए हैं। अगर बीच में किसी दिन को दोस्तों आप नहीं उठना है, आपको किसी भी दिन, मान लीजिए आपको संडे को उठना नहीं है, सोना है, या कहीं नहीं जाना है, अलार्म बंद करना है, तो आपको संडे को यहाँ पे अनसिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना है, संडे को यह अलार्म नहीं बजेगा दोस्तों, और सब दिन बजेगा। अगर 7 दिन का आपको रखना है दोस्तों तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पूरा तो 7 दिन अलार्म यह दोस्तों आपका बजेगा। चलिए हमको पीछे चले आना है दोस्तों, पीछे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अलार्म का नाम लिख सकते हैं दोस्तों, हम ड्यूटी के लिए जागना है हमको या कहीं जाना है दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं और नहीं लिखना चाहते हैं कोई बात नहीं दोस्तों। उसके बाद आपको उसके नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिंगटोन, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। रिंगटोन पे ओके करेंगे तो आपके सामने फ़ोन में जितना रिंगटोन होगा आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। देखिए अगर ये रिंगटोन आपको पसंद है दोस्तों, देखिए हम, अगर आपको यह रिंगटोन नहीं पसंद है दोस्तों तो आप अपने गैलरी में जो भी डाउनलोड किए होंगे वहाँ से भी आप ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों चलिए हम अपने फ़ोन का गैलरी से रिंगटोन सेट करते हैं, यहाँ पर आपको ओके कर देना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो आपके गैलरी में फ़ोन में जितना भी रिंगटोन होगा आपके सामने आ जाएगा। चलिए हमको कोई रिंगटोन सेट करना है तो यहाँ पर हम कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों चलिए हम इस रिंगटोन को सेट कर लेते हैं, यहाँ पे हमको ओके कर देना है, हमारा रिंगटोन सेट हो गया दोस्तों। उसके बाद हमको पीछे चले आना है दोस्तों, पीछे आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने देखिए हमारा यह रिंगटोन सेट हो गया है दोस्तों।
आपने यहाँ पर जो रिंगटोन सेट किया है दोस्तों, वही रिंगटोन अपने टाइम पे बजेगा, जो आपने 6 बजे का सेट किया है वहाँ पे आपका रिंगटोन यह बजेगा। अब आपको दोस्तों पीछे चले आना है, यहाँ पे आपको टैप करना है, आप पीछे चले जाएंगे। पीछे आ जाने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे रिंगटोन सेट हो गया दोस्तों, 7 दिन का पूरा आपका सेट हो गया है। यहाँ पर दोस्तों आपका सेटिंग पूरा हो गया, उसके बाद यहाँ पे सही का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ओके कर देना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका अलार्म चालू हो गया 6 AM का, मतलब 6 बजे सुबह में आपका बजेगा दोस्तों, और ये 7 दिन बजेगा दोस्तों। आपने अगर 7 दिन पूरा सेट किया है, 7 दिन टोटल बजेगा दोस्तों आपका अलार्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद दोस्तों अगर आपको और टाइम का सेट करना है तो आपको फिर प्लस आइकन पे आ जाना है दोस्तों। यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे और टाइम का सेट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे 11 बजे का सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 11 कर देंगे। यहाँ पे आपको 00 कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे AM करना है या PM करना है, आपको कर लेना है। चलिए हम AM कर देते हैं दोस्तों। अब यह हमारा दोस्तों 11 बजे का, दोपहर में 11 बजे अलार्म यह बजेगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टम कर देना है। कस्टम करेंगे उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे निशान लगा देना है, किस किस दिन आपको यह रिंगटोन बजाना है। यहाँ पे निशान लगाने के बाद आपको पीछे आ जाना है दोस्तों। पीछे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर रिंगटोन सेट कर लेना है दोस्तों। रिंगटोन यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ से कोई भी रिंगटोन आप ले सकते हैं या अपने गैलरी से ले सकते हैं दोस्तों। चलिए हमको कोई एक रिंगटोन सेट कर देना है। चलिए हम ये रिंगटोन सेट कर दिए हैं अपना। उसके बाद आपको बैक आ जाना है दोस्तों। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे आपका दोस्तों 11 बजे दोपहर में यह अलार्म बजेगा। अब आपको यहाँ पे सही का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टिक कर देना है। आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों 11 बजे का इनेबल हो गया है दोस्तों। उसके बाद 11 बजे यह बजना चालू हो जाएगा दोस्तों, और ऊपर वाला 6 बजे बजेगा दोस्तों। आप AM PM अपने से पसंद कर सकते हैं, आपको रात में उठना है या दिन में, या AM या PM जो भी अपना सेटिंग करना है अपने से कर सकते हैं दोस्तों। यही तरीका है दोस्तों अलार्म सेट करने का, आप आसानी से अलार्म सेट कर सकते हैं। यही जानकारी बताने के लिए दोस्तों हमने ये वीडियो बनाया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ओके, जय हिंद।